जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और कामना करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली ट्रेन कैसे चेक करते हैं। ट्रेन, कोई भी ट्रेन कहाँ पर है और कितने बजे से है, उसका नंबर क्या है, और जैसे उसमें जनरल है, कितने एसी डिब्बे हैं, कितने, सब कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर चलने के बाद हम सबसे पहले सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद सर्च करेंगे वेयर इज माई ट्रेन, वेयर इज माई ट्रेन सर्च करना है आपको, जो आप पढ़ सकते हैं ऊपर दिखाई दे रहा है, जो वेयर इज माई ट्रेन में सेकेंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, जो ओपन लिख रहा है मेरा, वहाँ पर आपका इंस्टॉल लिखेगा। वेयर इज माई ट्रेन का एक बस का दिया हुआ है, एक ट्रेन का दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको वेयर इज माई ट्रेन पर इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है कि वीडियो बनाने में जैसे कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए आपको इंस्टॉल करने में इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जो है कि आपको जैसे वेयर इज माई ट्रेन का ऐप्स है उसको लॉगिन करके जो आ जाना है। हम चलते हैं वेयर इज माई ट्रेन के ऑप्शन पर। वेयर इज माई ट्रेन को जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसका कुछ इंटरफेस होगा। लॉगिन क्या करना है उसमें, बेसिकली बस नंबर वगैरह डालना होगा बेसिक। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद आपको सर्च करना है कि कौन सी ट्रेन, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है। तो अगर ये इतना पता है आपको कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है, तो आपको सर्च करना है। वैसे मैं सर्च कर ले रहा हूँ वाराणसी सिटी से, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ गोरखपुर जंक्शन, ऐसे दो जंक्शन का नाम सर्च कर लिया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको करना क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर वाराणसी सिटी और गोरखपुर जंक्शन डालेंगे तो फाइंड ट्रेन पर क्लिक कर लेना है। फाइंड ट्रेन करने क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर ऑल डेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो यहाँ से, अगर आपको टाइम कम है आपके पास और टुडे में देखना है हमेशा, तो आप यहाँ से ऑल डेट की जगह पर क्लिक करेंगे। ऑल डेट की जगह पर आप टुडे सेलेक्ट कर सकते हैं, टुमारो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रेन किस डेट पर देखना है। अगर इसके नीचे कुछ चूज फ्रॉम कैलेंडर दे रहा है, अगर आपको इन तीनों में से जैसे टुडे, ऑल डेट्स और टुमारो में से दिक्कत है, आप मान लीजिए कोई फिक्स डेट होता है, जैसे हमारा जो कि एक महीने बाद जाना है, 10 दिन बाद जाना है, तो उस समय का डेट डाल देना है। चूज फ्रॉम कैलेंडर पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। मान लीजिए मैं 8 तारीख आज है, तो मैं आपको 24 तारीख सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो 24 तारीख सेलेक्ट किया, 24 नवंबर को इतनी सारी ट्रेनें हैं वाराणसी से गोरखपुर के लिए। इस तरह से आप कहीं का भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल डेट्स के बगल में जाओ, एक और स्लीपर लिखा दिखाई दे रहा है, स्लीपर पर मान लीजिए क्लिक करेंगे आपको जनरल भी दिखाई दे सकता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है। वहाँ पर आप क्लिक करके अपना क्लास चेंज कर सकते हैं, जनरल, स्लीपर, एसी थर्ड टीयर, एसी सेकेंड टीयर, एसी फर्स्ट टीयर, एसी चेयर कार, जो है चूज कर सकते हैं आप। तो इतना सब करने के बाद आपको अगर इतना नहीं पता है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आपको जाना है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ से जब आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको ट्रेन नंबर या ट्रेन नेम, यानी आपको किस ट्रेन से जाना है या उस ट्रेन का नंबर क्या है, इतना भी कम से कम पता होना चाहिए आपको। तो मान लीजिए कोई ट्रेन हम सर्च कर ले रहे हैं, जैसे ट्रेन का नंबर है 20402, आप नीचे देख सकते हैं वाराणसी सुपर फास्ट शटल एक्सप्रेस। हम इसलिए इसमें से सर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा है नहीं कि उसको सर्च करें, आपके पास जो भी ट्रेन का नंबर होगा या ट्रेन का नाम होगा उसको यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। मैं एक नंबर सर्च किया आपको दिखा देता हूँ, सर्च करके 20402। मैंने जैसे इसको सर्च किया देख सकते हैं वाराणसी सुपर फास्ट शटल एक्सप्रेस आ गई। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जहाँ से जहाँ तक जाएगी, लखनऊ से जा रही है वाराणसी जंक्शन के लिए ये ट्रेन। तो इसी प्रकार से आप किसी की ट्रेन के नाम से, नंबर से, आप यहाँ पर जहाँ मैंने नंबर डाला यहाँ पर फाइंड ट्रेन पर, वहाँ पर ट्रेन का नाम भी डाल देंगे तो आपको शो कर देगा आपको जिस ट्रेन से जाना है। तो इतना सब करने के बाद आपको अगर यहाँ से कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जो डिपार्चर का बोर्ड है स्टेशन नेम वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई ज़रूरत खास तौर से पड़ेगी नहीं आपको, यहाँ पर इतने में ही आपका काम हो जाएगा। या तो नाम डाल लीजिए या तो दो स्टेशनों का गैप डाल लीजिए और वहाँ से अपना क्लास वगैरह चेंज कर लीजिए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो ट्रेन का नंबर ढूंढना होगा, जो फर्स्ट में ट्रेन दिखाई दे रही है चौरी चौरा एक्सप्रेस, उसका जो नंबर है 15003 है, और उसका जो रन से डेली है यानी डेली रन कर रही है